काजल, यहाँ क्यों बैठे हो? पंडित जी ने बताया तुम्हारे पिताजी के बारे में। फिक्र मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं हूँ ना, मैं इलाज करवाऊंगा। अक्सर सुबह के वक्त महेश जी ऑफिस जाने से पहले मंदिर जाया करते थे और मंदिर के बाहर बैठे गुलशन बाबू हमेशा की तरह उनकी पूजा की थाली तैयार रखते थे। कैसे भैया? हमेशा की तरह महेश जी ने अपने जूते जोड़ा घर में रखे और मंदिर में आरती के लिए पहुंच गए। मंदिर से निकलते वक्त रोज की तरह महेश जी भिखारियों में खुले पैसे बांट रहे थे। तभी उन्हें वहां एक छोटा बच्चा दिखा। जब उसने हाथ फैलाया तो महेश जी ने उसे खुले पैसे देने लगे और उसने मना कर दिया। जब उस छोटे बच्चे को दोबारा और पैसे देने की कोशिश की तो उसने हाथ पीछे किए और लड्डू की ओर इशारा किया तो महेश जी ने बच्चे को लड्डू दे दिया और वो खुशी से उसे खाने लगा, मानो जैसे कि वो अब महेश जी की रोज की दिनचर्या का भाग बन गया था। महेश जी का हमेशा मंदिर से आते वक्त उसे लड्डू देना महेश जी को बच्चे से लगाव सा हो गया था। अगले दिन जब वो मंदिर पहुंचे, उन्होंने उस बच्चे को वहां नहीं पाया तो महेश जी सीधा वहां से ऑफिस चले गए। और उसके अगले दिन भी वो बच्चा उन्हें वहां नहीं दिखा तो उन्होंने मंदिर के पुजारी से उसके बारे में पूछा। पंडित जी एक बात बताइए जी, सीढ़ी पे लड़का बैठा रहता था तो दोनों से दिख नहीं रहा था। अच्छा, कौन वो? राजन। अच्छा, राजन नाम है। एक गरीब परिवार से है, उसके पिताजी बीमार चल रहे हैं इसलिए कुछ दिनों से आ नहीं रहा है। वो मंदिर के पीछे झुग्गियों में रहता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब जानने के बाद महेश जी राजन को ढूंढने निकल गए और उन्हें वो झुग्गी के बाहर मिला। राजन, यहाँ क्यों बैठे हो? पंडित जी ने बताया तुम्हारे पिताजी के बारे में। फिक्र मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं हूँ ना, मैं इलाज करवाऊंगा। जहाँ वो बहुत रो रहा था, जिसे देख महेश जी डर गए और जब उन्होंने झुग्गी में जाकर देखा तो उन्हें पता लगा कि राजन के पिताजी की मृत्यु हो गई है। जिसे देख के महेश जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने राजन से कहा कि जो हो गया वो उसे तो चेंज नहीं कर सकते, पर आगे से उसकी पढ़ाई का खर्च सब वो उठाएंगे। कौन? राजन।
कैसे हो राजन बेटा? कहाँ थे इतने समय से? जिंदगी के सफर में अपने आप को काबिल बनाने की कोशिश कर रहा था। इस भाग दौड़ की जिंदगी में मेरे बच्चे भी कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए, मुझे भूल रहे हैं। खैर, बहुत खुशी हुई तुम्हें देख। कैसे आना हुआ तुम्हारे यहाँ? पंडित जी ने बताया आपके बारे में। तुम फिक्र मत करो, अपना ख्याल रख लूंगा। मैंने आपको अपना भगवान माना है और अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, आप मेरे साथ चलिए। बहुत बड़े हो गए हो तुम। हे एनली फैम, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मेरा नाम है प्रिंस चंद्रा। दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना ही नहीं है बल्कि लोगों की लाइफ में चेंज लाना भी है। जिस तरीके से महेश जी ने राजन की हेल्प करी, उसी तरीके से आप भी अपने आसपास किसी ज़रूरतमंद राजन की हेल्प करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यार, ये ऑनलाइन क्लास का इन्वेंशन किया किसने? आज भी किसी ने भेजा जॉइनिंग की क्लास? गुड मॉर्निंग मैम। हाय, गुड मॉर्निंग रवि, हाउ आर यू? फाइन मैम। सो कल की क्वेश्चन तुमने सॉल्व करी? यस मैम। कोई डाउट्स कुछ भी? नो मैम, मैंने आपको मेल भी कर दिया। ओह, इट्स रियली गुड। ऑलराइट, सो हम नेक्स्ट चैप्टर के करें स्टार्ट? ओके मैम। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हो, बिकॉज मैं दोबारा ये चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी। मैम, आपकी वॉइस ना क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? ग्रेट, लेट मी चेक। मैम, ऊपर स्क्रीन पे रेड बटन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वॉइस आ जाएगी। एक बार अभी चेक करो, आ रही है वॉइस क्लियर? नो मैम, अभी नहीं आ रही। ग्रेट। अरे दीदी, क्या आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊँ यार, जब से ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ बच्चों को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देती। कहते वॉल्यूम इंक्रीज करो और रेड बटन पे क्लिक करती हूँ तो। अरे दीदी, आप टेंशन मत लो, नेक्स्ट क्लास से कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना, मैं ठीक कर दूँगी। हाँ ठीक है,
चल तू अपना काम कर, मैं देख लेती हूँ सारी चीजें। ठीक है। ऑल राइट, सो राहुल और पूजा के अलावा और किसी ने असाइनमेंट करा है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग रवि, असाइनमेंट करा है तुमने? मैम आपने जो कल असाइनमेंट दिया था ना मैम, वो मेरे को समझ नहीं आया। तो तुम ये हिल क्यों रहे? मैम वो अर्थक्वेक आ रहा है। अर्थक्वेक आ रहा है? अच्छा, तुम्हारे घर में अलग से अर्थक्वेक आ रहा है? तुम ये डेली डेली का क्या ड्रामा लगा के आते हो? मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नो, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अपने पेरेंट्स से मेरी बात कराओगे, मैं तभी तुम्हें क्लास में अलाउ करूंगी। पापा मेरे को ना आपसे कुछ बात करनी है। पापा वो ना कल ऑनलाइन क्लासेस से पहले मैम आपसे बात करने के लिए बोल ली थी। क्यों? वो ना क्लासेस में आजकल ज़्यादा पढ़ाती नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन समझाती है, फिर सारा घर से करने के लिए दे देती है, फिर बोलते तुम मेरे को मेल नहीं करते, ज़रूर घर पर पबजी खेल रहे होंगे। पापा आप संभाल लोगे ना कल? ठीक है बेटा, संभाल लो। पक्का ना पापा आप संभाल लोगे कल? पक्का ना पापा कल संभाल लेना आप? संभाल। ठीक है पापा। हाय, गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली मुझे रवि के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। मैं नोटिस कर रही हूँ काफ़ी टाइम से उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। पर मुझे तो उसने कुछ और ही बताया है। नहीं, उसके ग्रेड्स एकदम से इतने लो हो गए हैं। लाइक वो बहुत अच्छा बच्चा था पढ़ने में, और मैं नहीं चाहती कि वो किसी गलत संगति में जाके अपना फ्यूचर ख़राब करे। सो आई वॉन्ट आप उस पर ध्यान दो, वो क्यों उसका ध्यान इतना भटक रहा है। ठीक है, आप मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं उससे बात करता हूँ। श्योर। रवि, आज तेरी टीचर से बात हुई है मेरी। नंबर एक तो अपनी टीचर की इज्जत किया कर, नंबर दो तेरी टीचर तेरे बारे में मेरे को बता रही थी। एक टीचर ही है जो हमें पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करता है और हमें कामयाब इंसान बनाता है। इसी तरह मेरी टीचर ने भी मेरे को सही रास्ता दिखाया था, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। पर पापा, पर कुछ नहीं, अपने मार्क्स पे ध्यान दो, जाओ पढ़ो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरा नाम है प्रिंस चंद्रा। दोस्तों हमारा मकसद सिर्फ वीडियो ही बनाना नहीं है, बल्कि वीडियो बनाकर लोगों की लाइफ में चेंज लाना भी है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस वीडियो में एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करता है। सो इट इज़ अ ड्यूटी ऑल्सो कि हम भी अपने बच्चों को सिखाएं कि वो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आज ये दोनों फिर आ गए। आज मैं इनको बोल ही दूंगी, जितना खाना खाना हो उतना ही ऑर्डर करना। मेरा नाम प्रिया है, एंड आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे है। कुछ नहीं, बस कॉलेज का ऑफ चल रहा है तो सोचा पार्ट टाइम जॉब कर लूँ। सो आई जॉइंड अ कैफे।
मैं मोस्टली अपने फ्रेंड्स के साथ वहीं जाया करती थी। मुझे वहाँ के वाइब्स बहुत पसंद है। सो मैंने वहाँ मैनेजर से बात की और ज्वाइन कर लिया। यार मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत डरा दिया है, प्लीज आज कोई गड़बड़ ना कर दूं। यार मुझे दुख होता है बिकॉज एज अ फूड लवर मैं खाना वेस्ट होते हुए नहीं देख सकती, पर चल लीव, झूठा कौन ही खाएगा। आज ये दोनों फिर आ गए, आज मैं इनको बोल ही दूंगी जितना खाना खाना हो उतना ही ऑर्डर करना। अरे रुक 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 क्या? अरे मेरा वॉलेट रह गया यार लगता है। एक काम कर, एक काम कर, तू पीछे वाली साइड पे मिल, मैं भी आ रहा हूँ वॉलेट लेके अपना, ठीक है? प्लीज प्लीज प्लीज। यार मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ, आज आए ही नहीं दोनों।
Hey LFM, my name is Prince Chandra और दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है लोगों की लाइफ में चेंज लाना भी है। तो दोस्तों क्या आप लोगों को पता है इंडिया में 800,000 से ज्यादा बच्चे हर साल भूख की वजह से मरते हैं। तो अगली बार जब भी आप खाना मंगवाएं या ऑर्डर करें किसी भी ऑनलाइन ऐप पे तो प्लीज इनके बारे में जरूर सोचना एंड डोंट वेस्ट फूड। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना इसको अपने दोस्तों के साथ और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर देना और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वो तो सही तो है। हाँ मेरे को क्या हुआ भाई यार, कितनी सही लाइन दे रही थी वो। तो वो तो सही तो है। हाँ मेरे को क्या हुआ भाई यार, कितनी सही लाइन दे रही थी वो। तो अच्छा माफ कर, अच्छा सुन ना, क्या रूम साफ कर दे। मैं क्यों करूँ यार, क्या है ना वो कोई रूम मिला नहीं तो मैंने आश्रय को ही बुला लिया बस आज के लिए। और कुछ नहीं, बस इतना ही। ठीक है कर दे। हाँ श्रेया, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन। सुन श्रेया आने वाली है। अच्छा तो ऐसा करते हैं अपन थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है? ओके तू अभी ऐसा हुआ है, बचपन में चोट लगी थी तुझे, अब क्या हुआ? फोन दे अपना। ले मजे कर और सुन, मुझे थैंक यू मत बोलिए, ठीक है? Thank you.
हाय। भाई तू तो छुपा रस्तम निकला है, साले मेरे पीछे रंग रंग लिया। दोस्ती बस। अच्छा दोस्ती, नंबर दे उसको। हाँ ला, तेरे को और चाहिए भी क्या होता है, ये ले। चल सही है। क्या नाम है? मोनी। हेलो, कहाँ रह गया भाई? आ रहा है ना? हाँ बिल्डिंग में ही हूँ, आ रहा हूँ। और सुन, तेरे लिए एक सरप्राइज है, आगे बता दो। मेरे को भी तेरे को कुछ बताना है, जल्दी है। अच्छा ये था तेरा सरप्राइज। बस चिल करना, सब बताऊंगा। और हाँ तू कुछ कह रहा था? छोड़ बाद में बता दूंगा, तू बिजी लग रहा है। चल ठीक। अरे सुन, ऐसे एक बात करनी थी। बोल। फोन नीचे रख दे। भाई नशे में है क्या? अरे कुछ इम्पोर्टेंट बात है, प्लीज रखना। बोल। बुरा मत मानियो। हम गए। हो गया? भाई सच है, हम गए। अबे तो क्या फर्क पड़ता है, तू गे है, मेल है, फीमेल है, एक बार बता। ये गे लोग इंसान नहीं होते क्या? यार मेरा वो मतलब नहीं था, बस देख, तू मेरा पहले भी बेस्ट फ्रेंड था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तेरे गे होने से कोई बदलने नहीं वाला, ठीक है? चल, और मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। मैं चलना। हे एनली फैम, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों हमारा मकसद सिर्फ वीडियो ही बनाना नहीं है, बल्कि लोगों की लाइफ में चेंज लाना भी है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा इस वीडियो में कि राज को अर्जुन का गे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। तो हमें इंसान की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके जेंडर की नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएं। और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस आप लोगों तक पहुंच पाए।
जी गुड मॉर्निंग। कुछ है आपका साथ करने के। ये क्या कर रही हो तुम? तुमसे कितनी बार बोला है अपने घर में रहा करो। क्या हुआ दी? तुम्हारे चक्कर में मेरी फैमिली को भी इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं तो बस आपकी मदद कर रही हूँ दी, आप अपना ध्यान रखो। हाथ मत लगाना। आप अपना ध्यान रखो। कैसे आप अकेली बैठी हो? तो और कहाँ जाऊं मैं? किस बात का गुस्सा? आज सुबह की ही बात है, ये जो हमारी किराएदार नहीं है ना, ये मुझे न्यूज़पेपर उठा के दे रही थी। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं किन किन चीजों का ध्यान रखूंगी? मैं आपका ध्यान रखूं, अपने बच्चे का ध्यान रखूं, या ये देखती रहूं कि वो क्या टच कर रही है क्या नहीं कर रही? मैं बात करूंगा। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप उसको बोल दो कि वो चले जाए यहाँ से। नहीं हो पाता, मैं क्या क्या देखूंगी? बस इतनी छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा क्या बात? रिलैक्स, अब उठो यहां से जल्दी। हेलो हेलो रचना। हेलो, तुम कौन? मैं राधा। तुम वहाँ क्या कर रही हो? वो भाभी, तुमसे 10 बार बोला है कि मेरी वाइफ से दूर रहा करो, समझी? तुम रुको वहीं, मैं आता हूँ। भैया वो भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी भैया, मेरी कोई गलती नहीं है भैया। नहीं राधा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत समझा था। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? एज अ डॉक्टर इट्स माई जॉब। हे एल एफ एम, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरा नाम है प्रिंस चंद्रा। दोस्तों हमारा मकसद सिर्फ वीडियो ही बनाना नहीं बल्कि लोगों की लाइफ में चेंज लाना भी है। दोस्तों हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है, और हमें डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि ऐसे टाइम पे चलते उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। अपनी सेहत का नया ध्यान रखते हुए हमारी सेहत को उन्होंने मेन प्रायोरिटी बनाया है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। रेड कलर का बटन होगा नीचे, दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच पाए।
हेलो, आप बताओ आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस नहाने जा रही थी। आप नहाते भी हो? तो क्या तुम नहीं नहाते? अच्छा, किसी दिन हमें भी बुला लो। अच्छा जी, बताऊं तुम्हें? ओए, खेलेगा? आजा ना, क्या लड़के की तरह भाव खा रहा है? अबे चल यार, तू काम कर अपना। सुन, एक काम कर, एक ना ऑर्डर आया बाहर, जा लेके आ फटाफट। जा जा जा, प्लीज जा। हेलो, आप बताओ आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस नहाने जा रही थी। आप नहाते भी हो? तो क्या तुम नहीं नहाते? अच्छा, किसी दिन हमें भी बुला लो। अच्छा जी, बताऊं तुम्हें? बबुक के किचन में रख दिया। क्या बात है, आजकल तो फोन चल रहे हैं। अपना काम कर, चल हट। शनाया, तुम यहाँ? खैर छोड़ो, आओ अंदर आओ पहले। मैं उस दिन घर पे आई और मैंने इनकम से देखा कि मेरी फोटोज जो कि मैंने सिर्फ तुम्हारे पास भेज रखी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और बस इसी चक्कर में मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पाई। बहुत परेशान। मैं सब समझ गया शनाया,
तुम परेशान मत हो, तुम घर जाओ, मैं सब देख लूंगा। अच्छा सुन, मेरे पीछे कोई आया था क्या? नहीं तो भाई तू एक मुझे बात बता, अगर कोई तेरी बहन को ब्लैकमेल करेगा तो तू क्या करेगा? क्या क्या बकवास कर रहा है, क्या वाहियात सवाल है? अरे ब्रो बताना, आज ही मैंने एक मूवी में देखा था, सोचा कि तुझसे पूछ लूं। तो सुन, जान से मार दूंगा उसे। तुझे दोस्त कहते हुए शर्म आती है मुझे? तेरी बहन को कोई ब्लैकमेल करेगा तो तू उसे जिंदा गाड़ देगा, और तू जिस लड़की को इतने दिनों से ब्लैकमेल कर रहा है उसका क्या? ओए तू तैयार नहीं हो अब तक? अरे बेबी मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, वो दिमाग से स्लिप हो गया, बाहर जाना था हमें। ठीक है, ओके बाय। चल अच्छा, इसका मतलब तुझे पता चल गया। पर तू क्या रिएक्ट कर रहा है? गर्लफ्रेंड है ना वो तेरी, कोई बहन तो नहीं? पर तेरी बहन है। क्या बकवास कर रहा है? नाया तेरी कजन है। क्या? हाँ, और हमें ना हर लड़की की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सिर्फ अपनी बहनों की नहीं। हे एलए फैम, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मेरा नाम है प्रिंस चंद्रा, और दोस्तों हमारा मकसद सिर्फ वीडियो ही बनाना नहीं बल्कि लोगों की लाइफ में चेंज लाना भी है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि ब्लैकमेल करने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो ब्लैकमेल करना बिल्कुल गलत बात है, ब्लैकमेल आपको नहीं करना चाहिए, और इंटरनेट का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियोस देख पाए। माँ आप रख दो, मैं खा लूंगा। ठीक है, मैं लगा रही हूँ, खा लूँ। ठीक है। यार इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएगा यूट्यूब, सबके मिलियन मिलियन व्यूज हैं, 5 लाख 10 लाख, मेरे ही 5-10 आते हैं बस। Thank you.
क्षमा कर दे यार, तो तेरी ब्लू वाली शर्ट है ना, आप दे दे यार कल के लिए। क्यों? अरे तेरा भाई डेट पे जा रहा भाई। चल ठीक है, ले लियो। थैंक्स भाई, तो मैं आता हूँ लेने, ठीक है ना? पक्का। हाय फ्रेंड्स, और एनी पास रिलेशनशिप? नहीं, काम में इतना होती हूँ तो कभी इतना ध्यान ही नहीं गया। तुम बताओ। मेरी तो कोई नहीं। तुम्हें मिली नहीं या तुमने ढूंढे नहीं? बचपन में मैं बहुत मोटा था, इस वजह से कोई नहीं। I want to discuss this thing with you. हाँ बोलो। मुझे ना अब तुम्हारे साथ साथ अपने काम पे भी ध्यान देना है। तो दो, मैंने काम के लिए कब मना किया? नहीं रोका नहीं है, is that के जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो खो जाता हूँ, काम वाम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तो देखो प्रिंस, काम अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। अब बस मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा कम रह पाऊंगा तुम्हारे साथ, टाइम कम स्पेंड कर पाऊंगा, तुम्हें कम टाइम दे पाऊंगा। हो सकता है कुछ दिन फोन ना उठाऊं, तो गलत मत समझना, बिजी रहूंगा। देखो अभी तो मुझे जाना है, मैं करती हूँ उस बारे में बात। कहाँ जाना है? लेकिन अभी तो आए हैं। बाय प्रिंस। अरे हुआ क्या? हेलो। हाँ प्रिंस। आशीष बोल। भाई तूने उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाई थी ना? भाई मुझे लग रहा है वो बाहर किसी के साथ घूम रही है, और मुझे लग रहा है वो तुझे चीट कर रही है। पर कुछ भी मत बोल। कोशिश कर, मैं तेरे को लोकेशन भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, तू एक काम कर, तू जल्दी आ, ठीक है? भेज। हाँ बस मैं भेज रहा हूँ। हाँ बता, क्या बता रहा था? पीछे देख। अबे क्या हाल बना रखा है तूने अपना? हाँ ये सब क्या है? ऐसा कोई करता है? कोई इतनी बड़ी बात हुई है? हाँ बात नहीं करनी भाई, मूड नहीं। भाई किसी लड़की के लिए तूने अपनी ऐसी हालत बना रखी है। जा भाई, नहीं बात करनी ना तेरे को, समझ। सुन मेरी बात, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको, मेरी बात को ध्यान से सुन।
तूने जिस YouTube के लिए इतनी मेहनत करी है, अपने सब्सक्राइबर्स को इतना मोटिवेट करता है, आज तू ऐसी हालत बना के बैठा हुआ है, क्यों करी इतनी मेहनत? अपने गोल अचीव करने ना तूने, हाँ अचीव करने है कि नहीं? हाँ यस, चल आ। सबसे पहले तो अपना हुलिया ठीक कर, खड़ा हो और मुंह धो, चल आजा आजा, चल मेहनत है भाई, ऐसे नहीं छोड़ सकते, चला। शिया और कितना टाइम लगेगा? अरे बाबा मैं कहाँ लेट कर रही हूँ, ये देखो ना लग ही नहीं रहा है, ये देखो। हम लेट हो जाएंगे। तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? बताया तो था, आज मेरे फेवरेट यूट्यूबर ने हमें अपने फोटोशूट पर इनवाइट किया है और तुम इस बैग की वजह से इतना लेट कर रहे हो। तो फोटोशूट ही है ना, चल ले गए, इतनी जल्दी क्या कर रहे हो? देखो लग गया, अब चलो। मोइन। यस। हेलो मोइन, कैसे हो आप? ठीक। तो आप फोटोज वगैरह क्लिक कराओ, मैं भी ज्वाइन करता हूँ आपको। एक्सक्यूज मी, तुम एंजॉय। जब भी इस पेड़ को देखता हूँ मुझे रोहित की बहुत याद आती है। उसके जन्मदिन पे उसकी माँ ने इसे लगाया था, कि अभी तक मेरे साथ है। बाबूजी खाना खा लीजिए।
अबू जी हम बाजार जा रहे हैं सामान लेने। ठीक है। बाबूजी आजकल इतना परेशान क्यों रहने लगे? वहां सब ठीक है? यहाँ सब ठीक है डैड। और मेरा पोता दिख नहीं रहा, कहाँ है? जी अभी मैं बिजी हूँ, आई टॉक टू यू लेटर। श्याम बेटा। हाँ जी। श्याम, श्याम बेटा देखना फोन को क्या हो गया। आया बाबूजी। बाबूजी फोन तो खराब हो गया। खराब हो गया? अब बात कैसे करूंगा मैं, यही तो जरिया था बात। कैसे देखूंगा अपने पोते को मैं? अब कैसे ठीक हो गई? अब बाबूजी हम आपको यूं उदास नहीं देख सकते, आप एक काम कीजिए, आप हमारे फोन से फोन कर लीजिएगा। बेटा फोन टूट गया है मेरा, अब क्या बात कैसे करूंगा मैं? एक वही जरिया था जिससे मैं बात कर पाता था। डैड आपको तो मालूम है मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इन दिनों ठीक नहीं। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्हीं के सर को उठाने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत थक गए होगे, तुम आराम कर लो, मैं बाद में बात कर लेता हूँ। मैं जब भी इस पेड़ को देखता हूँ मुझे रोहित की बहुत याद आती है। उसके जन्मदिन पे उसकी माँ ने लगाया था, ये अभी तक मेरे साथ है। बाबूजी खाना खा लीजिए। अच्छा सुन। हाँ बोल। एक काम था तुझसे, मुझे एक नया फोन चाहिए। नया फोन तो तेरे बजट में है ही नहीं। सेकंड हैंड फोन? हाँ सेकंड हैंड फोन मिल सकता है, एक जानकार है मेरा। ठीक है तो सेकंड हैंड फोन कर। हाँ बात करके बताता हूँ।
और मुझे बताइयो, मैं कल आता हूँ तेरे पास। बाबूजी, बाबूजी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये क्या है श्याम? आप खुद ही खोलकर देख लीजिए। हम आपको यूं दुखी नहीं देख सकते, आपके चेहरे पर खुशी अच्छी लगती है। आप छोटे भैया को कॉल लगाइए ना। हे एल फैम, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरा नाम है प्रिंस चंद्रा और दोस्तों हमारा मकसद सिर्फ वीडियो ही बनाना नहीं बल्कि लोगों की लाइफ में चेंज लाना भी है। जिस तरीके से श्याम ने सुनील जी को गिफ्ट देकर उनके चेहरे पर एक हंसने की वजह दी, उसी तरीके से आप भी किसी को हंसने की वजह दे सकते हैं, आप भी उनके हंसने की वजह बन सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। अरे यार, इसका कैसे फोन आ गया आज? हाँ भाई, कैसे याद किया? पैसे ट्रांसफर कर यार, बंदे के साथ पार्टी आउट करनी है। अच्छा, हेलो हेलो। हाँ वासु भाई, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो। तुम्हें पता है अकेले पीने में ना कोई मजा नहीं है, और ऊपर से ये साल हद बेकार है। अच्छा चलो, मैं रेडी होके आता हूं। और भाई, हाँ वो छोड़, सीन सेट है आज का? अबे यार पहले बता। चल छोड़, अब अगर कुछ चेंज हो तो बताइयो। वो दोस्ती क्या जो बनाए बनाए प्लान को ना बिगाड़े।
यार इसका कैसे फोन आ गया आज। हाँ भाई कैसे याद किया? पैसा ट्रांसफर कर यार, बंदे के साथ पार्टी आउट करनी है। अच्छा हेलो हेलो, हाँ वासु भाई आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो, छुट्टी थी वो साहब थोड़े बर्तन होंगे, मैं करके चली जाऊंगी। हाँ जी मेरी जान। I am breaking up with you. अरे 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 क्या हो गया? कल रात क्या किया तुमने? याद करो, रीजन पता चल ही जाएगा। हेलो बेबी, अरे वो छोड़ो, कल कम टू माय प्लेस ना। तुम्हें पता है ना मैं नहीं आ सकती। तो मत आ, आज के बाद ना फोन मत कर दियो। पी रखी है ना तूने? हाँ पी रखी है, तो तेरे पैसों की भी है, हैं? किसी भी हालत में कमरे का किराया देना ही पड़ेगा, वरना मेरे बच्चों का क्या होगा? अरे दीदी एक सेकंड। साहब सारा काम हो गया, अब मैं चलती हूँ। अरे दीदी एक सेकंड रुकिए। दीदी ये आपके न्यू ईयर का बोनस, और आपको अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो मेरे को ज़रूर बताना। हर साल कितना ही पैसा हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशंस में ऐसे ही लगा देते हैं, अगर वही पैसा इस बार हम ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करने में लगाएं तो न्यू ईयर कितना अच्छा हो जाएगा ना। हे एनली फैम, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा नाम है प्रिंस चंद्रा, और दोस्तों हमारा मकसद सिर्फ वीडियो ही बनाना नहीं बल्कि लोगों की लाइफ में चेंज लाना भी है। दोस्तों हमें आसपास अपने ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए, एंड वी विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आयुष, हम ना सिर्फ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी सेल करते हैं। ओके बट मैं आपको एक कॉन्टैक्ट शेयर करता हूँ जो आपके अकॉर्डिंग के साइड दिखा देगा आपको, ठीक है? एंड आई गेस दैट विल बी परफेक्ट फॉर यू, राइट? ओह वेल दैट्स ग्रेट, बट मैं अभी आपका साइड देख सकता हूँ? श्योर बेटा, अंदर वेट करो।
आपसे आगे बात करता हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू पापा। ओके, चलिए। क्या? हेलो, मैं सिर्फ आयुष। मैंने आपका वेबसाइट पे आपका ऐड देखा था। बेसिकली आई वांट टू बाय अ हाउस। ओके ओके ओके, थैंक यू, बाय। यार इस पे टाइम वेस्ट करना तो बेकार है। हेलो, हाय, प्लीज हैव अ सीट, आई विल बी बैक। ओके, आयुष, हम ना सिर्फ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी सेल करते हैं। ओके, बट मैं आपको एक कॉन्टैक्ट शेयर करता हूँ जो आपके अकॉर्डिंग के साइड दिखा देगा आपको, ठीक है? एंड आई गेस दैट विल बी परफेक्ट फॉर यू, राइट? Oh well, that's great. But मैं अभी आपका साइट देख सकता हूँ? Sure. बेटा अंदर वेट करो, आपसे आगे बात करता हूँ, ठीक है? Okay, thank you, Papa. Okay. चले क्या? Okay. देख ले, खरीद तो पाएगा नहीं। Hi, Mani. Hi, Vihul. Okay, shall we check the sites? Yeah. Okay, so these are the sites that we have, okay? Okay. वैसे Mihul जी, आपका बजट क्या रहेगा? Mani जी, बजट तो ज़्यादा नहीं है। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे बताना। फाइन, ओके, चलो, थैंक यू। बिनी, बड़े इधर आना। बेटा, हाउ डू यू नो हिम? पापा, आप इन्हें नहीं जानते, सारे बहुत बड़े स्टार हैं। और पापा, आपको याद है वो क्या? पापा, जो मैंने आपको ब्रांड बताया था ना, ये उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। बेटा, इट्स एम्बेसडर। ओके, चलो चलो। सर, आपने साइट तो देख ही लिए होंगे। हाँ। सो कैन वी डिस्कस मोर अबाउट इट? नहीं यार, मेरे को नहीं लगता मेरा इतना बजट है। आई थिंक सस्ते घर ही सही रहेंगे मेरे लिए। थैंक यू। हे
हे एनली फैम, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों मेरा नाम है प्रिंस चंद्रा और दोस्तों हमारा मकसद सिर्फ वीडियो ही बनाना नहीं है बल्कि लोगों की लाइफ में चेंज लाना भी है। दोस्तों हमें किसी भी इंसान को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए क्योंकि कपड़े किसी भी इंसान का कैरेक्टर बयान नहीं करते। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेश करना।